हेलो फ्रेंड्स। तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी को डिस्कस कर रहे थे, और इसके पहले हम लोगों ने कूलाम का नियम यानी कि कूलाम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया। तो कूलाम्स लॉ जो था वो दो पॉइंट के बीच में, दो चार्ज के बीच में या दो से ज्यादा चार्ज के बीच में फोर्स जो था, जो बल था, उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता था। कूलाम का जो सिंपल सा फॉर्मूला था, एफ इक्वल्स टू 1/4πε0k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो था Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स था। अब यहां पे जो Q1 और Q2 था, हम उसको मान रहे थे किसी एक पॉइंट पे Q1 है और किसी एक दूसरे पॉइंट पे Q2 है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स निकालना है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच में फोर्स निकालने के लिए हम सिंपल सा इस फॉर्मूले का यूज करते थे, जहां पे ये पूरा हिस्सा कॉन्स्टेंट है, r इनके बीच की डिस्टेंस और Q1 Q2 इनके आवेश है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सतत आवेश, जैसे यहाँ पे जो हेडिंग दी हुई है सतत आवेश वितरण के कारण, यानी कि यहाँ पे हम अभी जो बात कर रहे थे बिंदु पे मान रहे थे कि पूरा पूरा आवेश एक बिंदु पे है। अब हम मान के चलते हैं, एक मान लीजिए एक छड़ है, लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ है इस तरीके से, उस पे आवेश क्यू दिया गया है, तो क्या वो एक पॉइंट पे रहेगा? नहीं, वो पूरे इसमें मान लीजिए प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तो प्लस 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 प्लस, यानी कि जो क्यू आवेश है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, यानी कि पूरे में एक जैसा फैल जाएगा, पूरी रॉड में फैल जाएगा। जैसे जैसे कि ये पेन है, अगर ये पेन लोहे का है, मान लीजिए लोहे की कोई छड़ है, इस पे कहीं से भी आप आवेश देते, करंट कहीं से भी पास करते हैं, तो वो आवेश होगा वो पूरी रॉड में, क्योंकि ये चालक है, पूरी रॉड में फैल जाएगा। एक कंडीशन ये आती है। दूसरी कंडीशन कि मान लीजिए ये लोहे की चादर है और इस पे आप आवेश क्यू देते हैं, प्लस क्यू, तो ये आवेश क्या होगा, पूरे में टू डायमेंशनल एरिया में पूरे में फैल जाएगा। यहाँ पे आवेश जो है वो इस तरीके से पूरे इसमें फैल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल कि ये लोहे की चादर मान लेते हैं, जैसे पेज है, तो इस तरह से कोई लोहे की चादर है, तो ये अगर हम इस पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आवेश क्यू देते हैं, चार्ज क्यू देते हैं, तो वो पूरे में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चालक है, ये इसमें आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे पे जा सकता है, तो वो पूरे में फैल जाएगा। तीसरी कंडीशन जो आती है वो आती है कि यहां पे आपका जो आवेश है वो आपके क्यूबिक फॉर्म में, यानी कि ठोस लोहे का किसी भी चालक का गट्टा है, उसमें क्यू आवेश देते हैं, तो वो क्या होगा, अब यहाँ पे टू, यहाँ वन डायमेंशनल में, यहाँ टू डायमेंशनल में, यहाँ पे थ्री डायमेंशनल, तो यहाँ वन डी कह सकते हैं, यहाँ पे टू डी कह सकते हैं, यहाँ पे थ्री डी कह सकते हैं। थ्री डायमेंशनल में इस तरीके से पूरे में फैल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये हार्ड डिस्क है, ये देखिए ये पूरा इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, या फिर ये बहुत छोटा है तो एक बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे ये प्रोजेक्टर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई भी होगी। तो अगर इस ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्टर है वो अगर किसी चालक का होता, जैसे लोहे का होता, और इस पर हम चार्ज देते, तो वो क्या होता है, इस पूरे में चारों तरफ फैल जाता। तो यहाँ पे तीन कंडीशन होगी। अब मान लेते हैं कि ये कोई किसी पॉइंट पे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्यू आवेश है, तो इसकी वजह से इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा, Q यहां है और Q यहां है, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2, तो Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे एफ इक्वल टू 1/4πε0k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि Q1 हमारा एक जगह नहीं, ये अलग अलग जगह पे है। अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ और होगी, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और होगी, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और होगी, तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग इनके बीच का फोर्स निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो वन डायमेंशनल है या फिर रेखीय आवेश वितरण, ये हमें रेखीय एक लाइन में हो रहा है, फिर हम बात करेंगे पृष्ठ आवेश वितरण की और फिर आयतन आवेश वितरण की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण की। उस केस में जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल ही बताया कि ये मान लीजिए कोई छड़ है, लोहे की छड़ है या फिर किसी भी चालक की छड़ है, इसमें प्लस 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 कोई आवेश क्यू यहाँ पे वितरित है, इसपे क्या है, क्यू आवेश वितरित है, तो इसकी लंबाई मान लेते हैं एल है, इसकी लंबाई मान लेते हैं एल लंबाई की छड़ है। अब कोई पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर भी हो सकता है, पास में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट यहां पर है क्यू, इस पे इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, यहां पे जो टोटल फोर्स, इसको जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो यहां पे हम लोग चूंकि ये पूरे में
फैला हुआ है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने हम आपको पहले ही बता चुके हैं इस केस में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो एक छोटे से हिस्से की वैल्यू निकालते हैं और उसको यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देते हैं यानी कि समाकलन कर देते हैं, तो हमें पूरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो इसके हमें यानी कि सबसे पहले तो हमें इसका घनत्व निकालना होगा कि आवेश कितना कितना फैला है, तो हम इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारे इसका रेखीय आवेश या रेखीय घनत्व बताता है, जो कि होगा क्यू अपॉन एल। टोटल आवेश कितना है, क्यू, कितनी लंबाई में फैला है, एल। तो अगर हमें रेखीय घनत्व निकालना है तो क्यू अपॉन एल। लेकिन अगर बहुत ही छोटी सी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम छोटी सी चीज के लिए कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जब कहीं भी बात छोटी सी चीज के लिए आती है तो हमेशा क्या आ जाता है, डी आ जाता है। तो लैम्डा यहां पे आ जाएगा आपका डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली यही चीज यहां लिखी हुई है, बस बात छोटे से हिस्से के लिए हो रही है कि जब जो लंबाई है वो छोटी सी हो या फिर जो आवेश है वो बहुत छोटा सा हो। अब इनके बीच में मान लीजिए डी क्यू जो है आपका वो ये है, इतना हिस्सा आपका डी क्यू है और इतनी ये लंबाई जो है ये डी एल है, ये इतनी जो लंबाई है वो डी एल है। तो अब इन दोनों ये अब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये पॉइंट है, जब हमने लंबाई बहुत कम ले ली, छोटी सी ले ली पॉइंट के बराबर, तो इसको हम पॉइंट कर सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो हमें इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना आता है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू, आपको नोट्स बनाने की टेंशन नहीं है तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि ये मैं कहीं यहां लिख दे रहा हूं कुछ यहां लिख दे रहा हूं, आपको सारे के सारे नोट्स ऑल इन वन सॉल्यूशन जो एंड्रॉइड ऐप है हमारा उस पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके अपने सारे नोट एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे दूसरे सब्जेक्ट के नोट भी मिल जाएंगे और वहां पे आपको सारे वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पे हेल्पिंग ट्यूटोरियल्स पे भी जा सकते हैं, इसको भी लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ इन दोनों के बीच में अब दो चार्ज हो गए, एक क्यू वन एक क्यू टू, लेकिन एक क्यू क्या है, डेल्टा क्यू यानी कि डी क्यू। तो इन दो के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू। अब कई जगह पे ये के नहीं लिखते हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये वायु में रखे हुए हैं, तो ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आप के लिखें या ना लिखें। अगर आप के नहीं लिखते तो आपको ये बताना पड़ेगा कि माना कि ये जो आवेश रखे हैं वो जो आपने वायु या फिर निर्वात में रखे हैं, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्यू वन क्या है, क्यू वन है आपका डी क्यू, Q1 है आपका DQ और Q2 क्या है, Q, Q2 क्या है आपका Q, या फिर इसको हम लिख सकते हैं Q0, तो Q0 ठीक है अपॉन R स्क्वायर। अब DQ की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं, DQ की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आप देखेंगे DQ की वैल्यू यहां से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि DL का यहां पर मल्टीप्लाई कर दे तो DQ की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा DL, ये वैल्यू DQ की आ जाएगी। बस हमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ये वैल्यू हमें पुट कर देनी है। तो हम एक छोटे से हिस्से के निकाल ले रहे हैं तो फोर्स भी हमारा उस छोटे से हिस्से के लिए आएगा, तो फोर्स भी हमारा DF के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम छोटे से हिस्से का फोर्स निकलेगा, हमें पूरे फोर्स निकालना है। तो हमारे यहाँ पर DF की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, DQ की वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा DL Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पूरी ये डीएफ छोटा सा हिस्सा निकला है, जैसे कि हमने बताया पूरी वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो यहां भी इंटीग्रेशन कर देंगे और यहां भी इंटीग्रेशन कर देंगे। किस लिए कहां पे किसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे, पूरी लंबाई के लिए एल के लिए, तो आप चाहे तो जीरो टू एल लिख दें या फिर डायरेक्ट एल से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये तो हो जाएगा आपका एफ टोटल एफ और ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है तो आप चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली इसके अंदर ही रख सकते हैं एल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखिए हम यहाँ पे लैम्डा और क्यू नॉट को आगे लिख दे रहे हैं, लैम्डा क्यू नॉट क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट ही है, आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है और डी एल, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो ये जो हमारा फोर्स है ये इस पूरे जो छड़ थी या फिर देखिए आवेश वितरण था उसकी वजह से इस पॉइंट पे लगने वाला टोटल फोर्स है। अब चूंकि हम लोग कूलम के नियम का वेक्टर फॉर्म भी देख चुके हैं, वेक्टर जो रूप है वो भी देखे हैं, तो उस केस में यहां पे हम वेक्टर फॉर्म अगर लिखें इसका वेक्टर फॉर्म तो उसमें क्या होगा डीएफ उसमें होता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, डीएफ यहां पे होगा, देखिए सेम कॉन्सेप्ट चलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये ऐसे ही रहेगा और Q0 या DQ Q0 तो चाहे आप इसको इस तरह से लिख दे ज्यादा अच्छा लगेगा Q0
डी क्यू अपॉन, देखिए इस यहां पे आपका जो वेक्टर फॉर्म होता है वहां पे क्या आ जाएगा, अगर ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा इस तरीके से अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये जो वायर है अब ये सीधा भी हो सकता है और तिरछा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सीधी लाइन की तरह वायर बताया, यहाँ पे मान लीजिए तिरछा विरछा भी वायर है और इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है क्यू नॉट यहाँ पर है, तो यहाँ पे डी क्यू मानना था हमने, तो इसके लिए हो जाएगा ये जो हो जाएगा ये आपका होगा आर वन या आर डैश और ये आपका होगा आर, तो हमें ये जो डिस्टेंस निकलेगी ये होगी, ये आपकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी आर माइनस आर डैश हम वेक्टर फॉर्म में देख चुके हैं, तो उस फॉर्म में यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस आर डैश का मैग्नीट्यूड का होल क्यू और यहाँ होगा आर माइनस आर डैश और ये दोनों वेक्टर फॉर्म में होंगे, तो इसी तरीके से जब हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपको फाइनल फोर्स जो आएगा वो आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म भी बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में आपको यही करके आना है, लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्म भी लिखने को आ जाता तो मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एल एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू इसी की तरह रखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा और यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन आर माइनस आर डैश का होल क्यू आर माइनस आर डैश, ये आपका वेक्टर है दोनों और यहाँ पे डी एल, ये आपका फाइनल जो वैल्यू है वो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी, तो ये तो हुआ आपका एक लाइन के थ्रू एक अगर एक रेखीय मैनर में आपका जो है आवेश वितरित है, तो अब अगर टू डायमेंशनल जैसे कि मैंने आपको बताया था ये अगर एक चादर पे या पेज के ऊपर पूरा आवेश वितरित है तब क्या होगा, तब आपको वहां पे लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा ए, लैम्डा की जगह आ जाएगा आपका मान लेते हैं सिग्मा, लैम्डा की जगह हम यूज करेंगे सिग्मा, बाकी ए की जगह क्या आ जाएगा हमारा जो क्षेत्रफल है, अब यदि आवेश टू डायमेंशनल पे हो यानी कि एक पृष्ठ पे हो तो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा पृष्ठ है जिसका एरिया ए है और इस पे आवेश क्यू है, तो क्यू इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे आवेश पे, अब ये बात ध्यान रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि ये पृष्ठ जो है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया इस पेज का या फिर लोहे की चादर का, तो ये जरूरी नहीं है कि ये एरिया इस तरह का हो, ये एरिया किसी भी तरह का हो सकता है, ये भी हमारा एरिया हो सकता है, इस पे चार्ज एक जैसा वितरित हो सकता है, तो ये हिस्सा जरूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल हो यानी कि चौकोर हो, ये कैसा भी एरिया हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग एरिया को कंसिडर कर रहे हैं, अब यहाँ पे सेम कंडीशन है कि ये पॉइंट है यहाँ पे क्यू नॉट आवेश है, तो किसी भी छोटे से हिस्से यानी कि ये हमारा डी ए है, इस हिस्से से यहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे आर डिस्टेंस पे ये है, तो यहां से फोर्स निकालेंगे तो उस कंडीशन में सेम, सबसे पहले तो हमें इसकी डेंसिटी निकालनी होगी, तो डेंसिटी यहाँ पे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा बराबर हो जाएगा देखिए टोटल आवेश है क्यू और फैला कितने में ए में, लेकिन हम लोग छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये इसका एरिया है डी ए और आवेश है यहाँ पे डी क्यू, तो उस केस में क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी ए, और यहाँ पे हम अगर डी क्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा डी ए, सेम कंडीशन कूलम का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन की जगह क्या आ जाएगा क्यू नॉट, हम यहाँ ले सकते हैं क्यू नॉट और क्यू टू की जगह क्या आ जाएगा डी क्यू, चाहे आप Q1 Q2 लिखें या Q2 Q1 एक ही बात है, तो चाहे आप इसको पहले लिखें या फिर इसको पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर भी हम लोग जो हमारे पास डी क्यू की वैल्यू है वो रख देते हैं, तो डी क्यू की वैल्यू जब आप रखेंगे तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू आपका आएगा 1/4 और ये भी वैल्यू डी एफ की आ रही है क्योंकि छोटे से हिस्से की बात करें तो डी एफ की वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट और डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, तो जब हमें टोटल वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे किसमें एरिया के रिस्पेक्ट में, तो डी एफ का क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा क्योंकि ये तो टोटल वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका एफ और एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए को मैंने थोड़ा बाहर लिख दिया है और ये इंटीग्रेशन एक रिस्पेक्ट में, तो ये आपका एरिया के लिए जो वैल्यू है वो आ जाएगी, आप चाहे तो चूंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, जो वेरिएबल है उसको यहां रख सकते हैं, तो ये आपका नॉर्मल
अगर एक एरिया पे यानी कि दो डायमेंशनल टू डायमेंशनल जो सरफेस है पृष्ठ है उस पे अगर आवेश वितरित है तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा किसी भी पॉइंट पे वो ये आएगा। इसका भी वेक्टर रूप अगर आप लिखना चाहें तो सेम कॉन्सेप्ट है कि आपका वेक्टर रूप में यही रहेगा एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन ए के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे देखिए क्यू सिग्मा ऐसे ही रहेगा अपॉन आर की जगह क्या हो जाएगा आर माइनस आर डैश का होल क्यूब, और यहाँ पे भी हो जाएगा आर माइनस आर डैश जो कि ये वेक्टर फॉर्म में होगा और डी ए एज इट इज रहेगा मल्टीप्लीकेशन में। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म टू डायमेंशनल के लिए भी सेम हो जाएगा, सेम तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगर थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है यानी कि आपका कोई आयतन है उसमें आपका आवेश फैला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये इसके ऊपर पूरे में आवेश एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं पहले तो डायग्राम बना लेता हूं छोटा सा। अगर इसमें देखिए ये हमारा आयतन आयतन है, इसमें इसका आयतन मान लेते हैं वी है, इस पे आवेश टोटल क्यू है, तो क्यू अब इसमें यह आवेश पूरे में इस तरीके से फैला हुआ होगा, और यहां पे मान लीजिए इस पॉइंट पे क्यू नॉट हमारा जो एक पॉइंट है वहां पे क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, तो इस कंडीशन में भी हम मान लेते हैं ये डी वी है, डी वी यानी कि एक छोटा सा हिस्सा उसका, क्योंकि टोटल आयतन इसका वी होगा तो डी वी, और यहां पे डिस्टेंस आर है और इसका जो फोर्स है वो भी हम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी, जैसे उसमें हमने सबसे पहले लीनियर में लैम्डा लिया था और जो आपका एक पृष्ठ था पृष्ठ में हमने सिग्मा लिया था, यहाँ पे हम लोग रो ले लेते हैं, रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी। तो अगर यहाँ पे हम लोग रो रो की वैल्यू हो जाएगी रो इक्वल टू, अगर हम छोटे से की बात करें तो डी क्यू अपॉन डी वी, और यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी रो इंटू डी वी। तो यहां पे भी जो फोर्स लगेगा क्योंकि यहां पे dq की वजह से लग रहा है, dv की जगह dv में टोटल आवेश है वो क्या कितना है dq, तो dq जो अगर हम बात करें तो dq पे जो फोर्स लग रहा होगा dq और q के बीच में f इक्वल टू आपका जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 1/4 पाई, क्योंकि ये छोटे से हिस्से पे लग रहा है तो इसको भी df लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट k। अब देखिये क्यू वन की जगह dq अपॉन dq इंटू क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एफ की डी एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, डी क्यू की वैल्यू रख दीजिए तो रो डी वी इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे भी हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे आयतन के लिए यानी कि पूरे वॉल्यूम के लिए, तो इसको डी जो हमारे पास वी के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे एफ की जो वैल्यू हो जाएगी फाइनली वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रो क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी वी, और ये वी के लिए हो जाएगा। ये तो इसका नॉर्मल फॉर्म होगा, अगर वेक्टर फॉर्म पूछ लिया जाता है तो वेक्टर फॉर्म सिंपली आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रो क्यू नॉट आर माइनस आर डैश दोनों वेक्टर हैं और अपॉन आर माइनस आर डैश का होल क्यू और डी वी, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जनरली आपको एग्जाम में इतना ही आपको लिखना होता है, अगर वेक्टर फॉर्म पूछा गया तो आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ ये आर माइनस आर डैश का होल क्यूब है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास आवेश है अगर वो किसी पृष्ठ पे फैला हुआ है, अब ये भी जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने ये बताया इस तरीके से हो, यानी कि ये भी कैसे भी शेप में हो सकता है, गोल शेप में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। जैसे कि हमारी बॉल होती है, लोहे की अगर हम बॉल लें उस पर आवेश फैला दें तो वो भी थ्री डायमेंशनल में जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे वी लिखा है वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पे आपका क्यूब है तो ए क्यू हो जाएगा वॉल्यूम, अगर जो आपका स्फेयर है यानी कि लोहे की गेंद है तो उसके लिए उसका वॉल्यूम आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग आपके जो फॉर्मूले हैं ये जनरली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरली आपको लीनियर जो मैंने सबसे पहले बताया था उसी का डेरिवेशन पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको कोई भी पूछा जाता है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है, कि कैसे अगर आवेश पूरे किसी बॉडी पे या किसी चीज पे फैला हुआ है तब आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सारे के सारे नोट्स आपके ऑल इन वन सॉल्यूशन जो हमारा एंड्रॉइड ऐप है इस पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप
ऑल इन वन सॉल्यूशन एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे हेल्प ट्यूटोरियल जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है उसको लाइक कर दीजिए और इन वीडियोज को दूसरों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये कॉन्सेप्ट घर बैठे समझ सकें, उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे का सारा कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब के थ्रू भी उनको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।